नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल पंकज कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने YouTube वीडियोस को सर्च रिजल्ट में रैंक कैसे कराएं। जी हाँ दोस्तों, सर्च रिजल्ट में यहाँ पर कैसे ले आएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि कैसे मेरा जो भी वीडियोज है सर्च रिजल्ट में किस पोजिशन पर रैंक कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने कहाँ से कीवर्ड लिया जिसके थ्रू यहां पर वीडियो मेरे सर्च रिजल्ट में रैंक कर रहे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं चलूंगा YouTube पर। ओपन करने के बाद जो आपका सर्च बॉक्स है उस पर मैं सर्च करके आपको दिखाऊंगा कि जो मेरा वीडियोस है वो यहां पर सर्च रिजल्ट में रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कितने वीडियोस मेरे रैंक कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिखाऊंगा जो मेरा रैंक कर रहा है, जिससे मुझे व्यूज भी मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको व्यूज चाहिए तो आपका जो वीडियो है सर्च रिजल्ट में आना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने एक कॉस्टा सेविंग नाम का ऐप है, उस पर वीडियोज बनाए थे कुछ समय पहले। तो चलिए मैं उसी का सर्च मार लेता हूँ, कॉस्टा एंड सेविंग। सो दोस्तों, कॉस्टा सेविंग सर्च मारने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर कॉस्टा सेविंग का जो है कि एक ऑफिशियल चैनल है वो दे दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है कॉस्टा सेविंग, और यहाँ पर आप अच्छा खासा व्यूज देख सकते हैं जो कि पहले नंबर पर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे और तीसरे चौथे नंबर के छोड़कर पांचवें नंबर पर भी आप देख सकते हैं मेरा एक दूसरा वीडियो है वो भी आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, तीसरे नंबर यहाँ पर सातवें आठवें नंबर पर एक और वीडियो मेरा जो है जो 1 मंथ पहले बनाया था वो भी यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो जो सारी 3 वीडियो मैंने बनाई थी, तीनों की तीनों वीडियो यहाँ पर मेरा सर्च रिजल्ट में रैंक कर रहा है। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है, उस पर भी मैंने एक वीडियोस बनाई थी, जो यहाँ पर चैनल का नाम आप देख सकते हैं। और चैनल पर अगर मैं विजिट करके आपको दिखा दूँ तो ये मेरा रहा चैनल। सो दोस्तों, इसे मैं तो पहले बंद करता हूँ। ये मेरा चैनल है, ये भी मेरा ही चैनल है। सो इस पर भी आपको देखने को मिल चुका होगा कि ये भी सर्च रिजल्ट में आ रहा है, यानी कि सारे वीडियोज मैंने यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आए वो भी 1 महीने के अंदर। और बहुत ही ऐसे और सारे जो कि मेरे वीडियोज हैं यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आ रहे हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं एक ड्रीम इलेवन पर वीडियो बनाया था, तो ड्रीम इलेवन KYC प्रॉब्लम। सो चलिए सर्च मार के देख लेते हैं, KYC वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। सो यहाँ पर दोस्तों हम सर्च मारेंगे प्रॉब्लम। सो सर्च मारने के बाद दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर आ गए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर किया है ये भी बंदा ने मेरे ही कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पर हम उसे छोड़ते हैं। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं मेरा जो कि यहाँ पर एक वीडियो आ रहा है जिस पर 1,10,000 व्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं नीचे की तरफ आऊँ तो 1,10,000 व्यू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो पर जो कि सर्च रैंक में आ रहा है वो भी किस न पोजिशन पर, 1, 2, 3, 4 पोजिशन पर यहाँ पर आया। साथ ही साथ एक नीचे और वीडियो मेरा है ड्रीम इलेवन KYC प्रॉब्लम, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आ रहा है जो कि 4th से 5वें नंबर पर ये भी है। और भी दोस्तों बात करें तो इस तरह आप कैसे यहाँ पर ला सकते हैं सर्च रिजल्ट में, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सारी मेरी वीडियोज जो है सर्च रिजल्ट में आ रहे हैं, साथ ही साथ एक और वीडियो मैंने बनाया था वो भी सर्च रिजल्ट में आ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे सर्च रिजल्ट में आ रही है, और कुछ वीडियो जो कि आप 1 मंथ के अंदर ही सर्च रिजल्ट में आने लगती हैं, साथ ही साथ और कुछ वीडियोस जो हैं आपके टाइम टू टाइम यहाँ पर यानी कि थोड़ा टाइम लेती हैं, उसके बाद सर्च रिजल्ट में आने लगती है जिससे आपके अच्छे खासे व्यूज जाने लगते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे 1,10,000 व्यूज इसी वीडियो पर सिर्फ है। सो दोस्तों इस वीडियो पर आप देख सकते हैं 4K के लगभग व्यूज यहाँ पर हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने वीडियोज़ को सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं ये सारी वीडियोस जो मेरी हैं ये देखिए अच्छे खासे इस पे व्यूज हैं, और क्यों है क्योंकि ये सारी सर्च रिजल्ट में रैंक कर रही है। जैसे ड्रीम इलेवन में 1 टीम कैसे बनाई, ये भी वीडियो मेरी सर्च रिजल्ट में आ रही है जिस पर 1,65,000 व्यूज है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे अच्छे व्यूज यहाँ पर मेरे आए हुए हैं, और ये सारी वीडियोज जो है मेरी सर्च रिजल्ट में आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों हम आप बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर हमारी जो वीडियो है यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों सबसे पहले आप जो कोई भी वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको टॉपिक सर्च कर लेना है पहले ही से। जैसे कि अगर मुझे बनाना है कि हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो, तो यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे हाउ टू रैंक यूट्यूब, सो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यूट्यूब वीडियोज, वीडियो फास्ट, शॉर्ट वीडियो, वीडियो 2022, चैनल ऑन टॉप एंड बहुत सारे ऐसे कीवर्ड दे रहे हैं। तो आपको इनमें से क्या करना है, आपका जिससे भी रिलेटेड वीडियो है वो कीवर्ड्स आपको लिख लेना है। यहाँ से आप दोस्तों कॉपी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दोस्तों जैसे कि यहाँ पर
क्लिक करते हैं या फिर उसे आप देख करके आप एक नोटपैड खोल लीजिए, नोटपैड में आप ये सारे कीवर्ड्स को लिख लीजिए। उसके बाद किसी एक चैनल का या दो चैनल के आप कीवर्ड यहाँ से जो दिया गया है उनका टाइटल उससे भी कॉपी कर लीजिए। जैसे कि ये सारे दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी मेक क्रिएटर्स एंड टेक्निकल योगी, इनकी जो आप कीवर्ड है इसे आप यहाँ पर जो इनका टाइटल है इसे कॉपी कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत इनका डिस्क्रिप्शन भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसे कोई भी कॉपीराइट यहाँ पे आपको स्ट्राइक या क्लेम देखने को नहीं मिलेगा, आपको वीडियो में आप इसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे कीवर्ड टूल है, जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड यूट्यूब कीवर्ड सर्च करने के लिए आपको मिल जाएगा यूट्यूब कीवर्ड, और हम यहाँ पर सर्च करते हैं कीवर्ड। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पहले पास में एक यहाँ पर टूल ओपन हो जाएगा जो कि फ्री टू यूज है और अपग्रेड वर्जन भी है। जैसे कि यहाँ पर हम सर्च करते हैं ड्रीम 11 KYC। सो दोस्तों जैसे KYC शुरू यहाँ पर सर्च करते हैं, हम यहाँ पर यूट्यूब पर आकर सर्च करते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, जिस कीवर्ड्स को आप यहाँ पर फ्री में यूज कर सकते हैं। इनका अगर प्रो टूल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर प्रो टूल का यूज नहीं कर रहे हैं। हमें आपको यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आपके वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कीवर्ड है तो उसे आप कॉपी करके अपने यूट्यूब वीडियो में डाल सकते हैं, जिससे आपका वीडियोज रैंक करेगा जरूर। सो दोस्तों ये इस तरह आप अपने वीडियो को रैंक करा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही आसानी से रैंक करा पाएंगे, बस आपको यहाँ से कीवर्ड जरूर सर्च करना है। और जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो रैंक कराने के लिए आप वीडियो को सर्च यहाँ पर सर्च में कैसे लाएं, सर्च में कैसे लाएं, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा वीडियो को सर्च में तो कैसे लाएं 2022 कैसे लाएं, थोड़ा सी स्पेलिंग भी मिस्टेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, या सबसे ऊपर कैसे लाएं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीजों को आपको करना क्या है कि एक नोटपैड ओपन करना, उसमें ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। लिख लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपल अपने यूट्यूब वीडियो जब भी आप अपलोड कर रहे हैं वहां पर जाइए, आप डिस्क्रिप्शन और टैग दोनों में यहाँ पर लिख लीजिए, और दोनों में लिखने के बाद ही अपना वीडियोज को आप अपने YouTube वीडियोस को अपलोड करिए अपने चैनल पर, जिससे आपका जो वीडियो है सर्च रिजल्ट में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कोस्टा सेविंग आपको अभी दिखाया, कोस्टा सेविंग ऐप फुल डिटेल्स, तो देखिए मैंने पहले तो कोस्टा सेविंग लिखकर सर्च किया था, अभी मैंने फुल डिटेल लिखकर सर्च किया तो भी मेरी ये देखिए सारी की सारी वीडियोस लाइन से देख सकते हैं, टेक्निकल पंकज कुमार एंड टेक टॉल कोरिया में भी मेरा ही चैनल है, तो ये सारी चीजें हैं यानी कि सर्च रिजल्ट में आ रही है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें मेरी, वो भी यहाँ पर टॉप के 4 नंबर तक मेरी ही वीडियोज यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आ रही है। देख सकते हैं मेरी चारों वीडियो सर्च रिजल्ट में आ रही है, तो इस तरह आप सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जो आपको कीवर्ड सर्च करने में मदद करते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक बता दिया। साथ ही साथ ये भी मेरी वीडियो है जो कि सर्च रिजल्ट में आ रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, 1 से 2 वीक भी ले सकता है, 1 महीने भी ले सकता है, लेकिन अगर आपके चैनल पर एक बार व्यूज आना शुरू हो गए तो उस वीडियो पर लगातार व्यूज आते रहते हैं और आपके डेली टू डेली व्यूज कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। अगर आपका एक नया चैनल है तो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो वीडियोज पे व्यू मिलेंगे वो भी आपको रैंक के हिसाब से मिलेंगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आप अगली बार वीडियो अपलोड करते समय जरूर यहाँ से कीवर्ड यहाँ पर यूज करिएगा। इस कीवर्ड को आप डिस्क्रिप्शन और टैग दोनों में यूज करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आप इस टाइटल को भी डालिएगा, जैसे कि आपने एक टाइटल लिखा कोस्टा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आप कैसे करें, या फिर कोस्टा सेविंग डिटेल्स, कोस्टा सेविंग एप्स, जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल डाला तो आपको इस टाइटल को भी कॉपी करके फर्स्ट नंबर पे ही आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, उसके बाद आप अपनी चीजें लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, और आप अगली बार इस मेथड का जरूर यूज करिएगा, जिससे आपका अगर नया चैनल है तो आपके चैनल पर व्यूज जरूर आएंगे। सो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।